बिग बॉस शो, क्योंकि वो जहन में मेरे जाता ही नहीं है और कभी जाएगा भी नहीं. सो यू विल बी नेवर बी पार्ट ऑफ दैट शो. भगवान कसम, सबको लगती थी बहुत बुरी तरीके से. कोई ब्रूज होकर आता था, कोई कट कर आता था. आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पसंद है, बोलो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. जिस तरह मैंने देखा, आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी यू दैट. एंड टेल अस समथिंग, द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गॉट द कॉल, व्हाट वाज देयर इन योर माइंड, किस विजन से आपने हाँ कहा, और वो जो सफर है उसकी बात तो करेंगे पहले. तो खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ. रियलिटी बिट को साइड में रखते हुए जो उसके अंदर स्टंट्स करवाते हैं, वो उसे एक्सपीरियंस करना था. बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लिटरली स्ट्राइव्स टू डू अ लॉट ऑफ एडवेंचरस थिंग. तो और उसके अंदर जितने भी स्टंट्स हैं उसके अंदर एडवेंचर पार्ट भी है बहुत ज़्यादा. और रियल लाइफ में ये सब चीज़ें करने अगर मैं वेकेशंस पे भी जाती हूँ तो ये स्केल की जो एडवेंचरस चीज़ें हैं वो नहीं करने मिलती है. सो खतरों के खिलाड़ी वॉज दी ओनली शो वेर आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ एंड इट हैपेंड. जब कॉल आया तो आई वॉज स्टिल इन टू माइंड्स वेदर आई वॉन्ट टू डू इट और नॉट, वेदर आई वॉन्ट टू डू इट और नॉट. क्योंकि आपका भी सवाल ऐसा ही था कि मूवी एंड देन डूइंग दिस. बट खतरों के खिलाड़ी वॉज एन एक्सेप्शन फॉर मी एंड आई डिड इट बिकॉज आई हैव माई ओन रीजन्स टू डू इट, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ स्टंट्स दैट यू गेट टू डू ऑन द शो इट सेल्फ. एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, वन ऑफ एक्सपीरियंस है. और वो वन ऑफ एक्सपीरियंस को मैं चेरिश करना चाहती हूँ. ये रियलिटी शो अगर आप बोलेंगे मेरे लिए, तो क्योंकि खतरों के खिलाड़ी स्टंट बेस्ड शो है, तो इसके अंदर आप क्या परफॉर्म करते हो, कैसे परफॉर्म करते हो, ऑब्वियसली योर लक ऑल्सो गोज हैंड इन हैंड बिकॉज यू आर नॉट दी ओनली वन परफॉर्मिंग देयर. देयर आर लाइक अदर कंटेस्टेंट्स ऑल्सो हुम यू आर कम्पीटिंग विद. अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका लक अच्छा हो. किसी का लक आपसे ज़्यादा भी चल सकता है कभी, और कभी कभी आपका लक किसी से ज़्यादा चल सकता है. वो टाइम टाइम पे डिपेंड करता है, दैट्स टोटली फाइन. बट द रियलिटी, आई डिडंट नो दैट रियलिटी. खतरों के खिलाड़ी मेरे दिमाग में तो यही था कि ओके इट इज़ ऑल स्टंट बेस्ड. मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर रियलिटी भी होती है. बिकॉज इट्स कॉल्ड रियलिटी शो, अ स्टंट बेस्ड रियलिटी शो. That's what I stunt based na yeah. reality of the stunts not this reality. Okay, we'll get into that point also. But so yeah, that's why I said it was a great experience, a learning experience of many things, and I would love to keep this experience to a one off thing only. I don't want to mix any other experiences on this. Okay, dusra ye sawal hai mera, jaise kafi log pehle Bigg Boss karte hain फिर खतरों पे आते हैं. काफी इस साल भी काफी लोग ने पहले बिग बॉस के देन दे वेंट टू खतरों. बिग बॉस हमने देखा काफी को एक्टर सलमान जी की बिग बॉस में आते, अब भी पूजा जी जो रिसेंटली आए उसके पहले इतने सारे. आपके मन में ये नहीं हुआ कि आई शुड डू फर्स्ट बिग बॉस बिकॉज ऑफ सलमान सर एंड देन आई कैन ट्राई फॉर खतरों, ये कभी मन में आया आपके? कभी नहीं. व्हाई? मतलब नॉट इन माय वाइल्डेस्ट थॉट्स और माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई वुड हैव एवर थॉट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ बिग बॉस शो. क्योंकि वो जहन में मेरे जाता ही नहीं है और कभी जाएगा भी नहीं. सो यू विल बी नेवर बी पार्ट ऑफ दैट शो. ओके, सबसे पहले शुरुआत करें हम पहले स्टंट की, जो हेलीकॉप्टर वाला स्टंट था. आई गेस आज तक सबसे टफेस्ट स्टंट मुझे ऐसा लगता है खतरों की हिस्ट्री में, और पहला ही स्टंट. अगर आप कुछ बताना चाहोगे उसमें, तीन जो संदेश, शिव एंड अर्जित, शिव और अर्जित तीन जनों ने जीता था स्टंट. और हमें ऐसे लगा कि रोहित सर आएंगे, हमें बताएंगे स्टंट क्या है, हमें जाके परफॉर्म करना है. एंड ऑब्वियसली आई थिंक इनका फॉर्मेट हर सीजन में चेंज होता है. तो ये टाइम उनका फॉर्मेट ऐसा था दैट वील गो एंड डू द स्टंट्स एंड देन द टॉप थ्री विल मीट रोहित सर एंड देन रोहित सर विल कम एंड एड्रेस अस. तो वो ऑब्वियसली क्रिएटिव कॉल है वो. तो वी वर लाइक अच्छा ठीक है, लटकना ही है, लटक लेंगे जब तक हाथ में जान है, जब तक पैर में जान है हम लटक लेंगे. फिर जब हमें पानी में डुबा डुबा के निकाला है बाहर और डुबा के जो घसीटा है, तो जितने भी मोस्टली जिन्होंने अपना जो ग्रिप छोड़ा था, या तो ड्रैग किया गया था तभी छोड़ा था, या जब स्ट्रेंथ हाथ की खत्म हो गई थी या पैर की खत्म हो गई थी तब वो लोग फॉल किए थे.
बट अगेन इट्स अ गेम शो. इट वॉज सुपर फन टू परफॉर्म. जितना नहीं जितना वो बात की बात है. हैट्स ऑफ टू सुंदूस अर्जित एंड शिव, दे डिड रियली वेल. बट जितना मैं जानती हूँ, हम जितने भी 14 के 14 कंटेस्टेंट्स थे, हम सभी ने वो स्टंट बहुत ही एंजॉय किया. क्योंकि वो एक लौता स्टंट था जिसके अंदर हम सारे एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं. जब मीडिया से आप जब मुलाकात थी, जब आप एड्रेस कर रहे थे, तब मैंने एक सवाल पूछा था, सबसे पहले सवाल कि किस तरह का सफ़र रहा है आप लोग का. तो आपने मुझे बोला था कि हिंदी वाला सफ़र कि इंग्लिश वाला सफ़र. तो मैं आज दोनों वाला सफ़र पूछूंगा. ये जो दोनों सफ़र है, उस सफ़र में सबसे अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सबसे, मतलब ये लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे को नहीं चाहिए और ये लर्निंग एक्सपीरियंस सबसे हाई रेटेड आप मानते हो? नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस को आप रेट नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू आर कैटेगराइजिंग द लर्निंग्स दैट यू आर गेटिंग, देन यू आर प्रोबेबली, यू नो, आप शेल्फ डिवाइड कर रहे हो कि नहीं, ये लेसन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये लेसन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और समथिंग यू आर कैटेगराइजिंग इट फॉर योर ओन सेल्फ. लाइफ लेसन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर सिचुएशन से, वो सर्कमस्टेंस से आपने क्या सीखा है, इधर यू नॉट रिपीट इट अगेन, और you make sure that you do things the other way around because that time it didn't work. Right. So mere liye aisa, so hindi ka safar isliye kyunki suffering wahan pe, hindi wala safar jo hai wo journey jo humne ki journey which was really amazing, a lot many things that I learned out of it, aur english wala safar सो इंग्लिश वाला सफ़र, क्योंकि हर स्टंट के बाद हर एक कंटेस्टेंट, मतलब अगर एक स्टंट करने के लिए 2 जन जा रहे हैं या 4 जन जा रहे हैं, बाय, मतलब भगवान कसम, सबको लगती थी बहुत बुरी तरह कैसे, कोई ब्रूज होकर आता था, कोई कट कर आता था, अर्चना को स्टिचेस लगे, शिव को स्टिचेस लगे, सो आई थिंक अर्जित को पूरा आई ब्लैक हो गया था उसका, सो द मेनी थिंग्स, एंड तो वो वाला सफर भी था. सफर, सफर, यस. इसके पहले आपने अभी जस्ट अर्चना और शिव दोनों का नाम लिया, ये जो दो जो नाम है वो एक हॉट टॉपिक बन रही है. शिव के साथ आपकी फ्रेंडशिप और अर्चना के साथ वो जो पोस्ट है, सबसे पहले शिव की शुरुआत करेंगे कि वो जो रील आप अर्चना ने जो पोस्ट किया आपके बारे में, शिव से शुरुआत करते हैं हम. जो शिव की और आपकी फ्रेंडशिप है, काफ़ी काफ़ी सारी बातें हो रही है उस पर. मैंने, मुझे पर्सनली वो जो रील्स आप लोग ने डाली है जो एयरपोर्ट में कुछ कुछ ग्लिम्स है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी. मैंने उनको मैसेज किया था इस बारे में. आप अगर बताना चाहोगे अबाउट द फ्रेंडशिप इक्वेशन विद शिव, किस तरह से वो कंफर्ट, क्योंकि वो हमेशा कंफर्ट लेवल राइड विद द मीडिया पीपल, पेपराजी और द कोस्टर्स, ही ऑलवेज मेक पीपल वेरी कंफर्टेबल. बंदा है वो, बहुत मस्ती हो रहे हैं, एंड ही इज समबडी हु लिटरली आई थिंक वो ओपन अप बहुत जल्दी हो जाता है, और वो उसका पॉजिटिव ट्रेट है. वो अनलाइक अदर पीपल, ही इज समबडी हु इज लाइक आउट देयर, लाइक आ जाओ, मेरे हाथ खुले, आ जाओ, किसको चाहिए जादू की झप्पी. दैट्स शिव ठाकरे फॉर अस, फॉर मी एटलीस्ट. दैट्स व्हाई व्हेन यू से दैट ही मेक्स एवरीबडी फील वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन, द क्वालिटी ही हैज, या. एंड जो चीज़ मैंने एक नोटिस की कि अगर उसे कोई गलत बोलता भी है या उसे, अच्छा बोलने वाले को तो ऑब्वियसली आप पसंद करते ही हो, पर अगर कोई आपको गलत बोलता भी है, ही माइट फील, यू नो, ऑफेंडेड फॉर दैट 5-10 मिनट्स, 15th मिनट ही विल बी ओके. एंड आई थिंक वो एक नेचर है जो मेरा, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ, दैट आई एम रियली हॉट हेडेड. वो भी है, पर वो जो हॉट हेड है ना, वो खाली वो 10 मिनट का वॉल्केनो है, राइट. एंड देन द 15th मिनट आई एम लाइक, चलना यार, खत्म हो गई बात, द टाइम्स गॉन, व्हाटएवर वाज बीइंग सेड इज सेड, डन इज डन, खत्म, इट्स लाइक दैट. सो आई एम आल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी बॉन्डेड सो वेल, बिकॉज वी समवेयर अंडरस्टूड ईच अदर्स नेचर. वो मुझे कुछ बोलता है, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं उसे कुछ बोलती हूँ, उसे बुरा नहीं लगता. और अभी ये आई थिंक ये लेवल की फ्रेंडशिप पे है हम लोग, जहाँ पे
अगर मैंने उसे कुछ बोल दिया, उसने मुझे कुछ बोल दिया और हम दोनों को बुरा लग गया, हाँ, तो हम उसके ऊपर और ऐड करके बुरा बोलेंगे। यस, हॉट हेडेड की बात की जो अर्चना के साथ हुई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ व्यूअर आपसे बात करूँगा कि पहली बात तो ये है कि जो भी है, वॉट एवर द इक्वेशन बिटवीन यू एंड हर इज राइट नाउ, सोशल मीडिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो सोशल मीडिया तक आ जाती है, पीपल हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, कोई कहता है कि ये पब्लिक स्टंट भी हो सकता है कि इन लोगों को आने के लिए, कोई कहता है इन लोगों के बीच में क्या हुआ, कोई कुछ भी कहता है, वो कमेंट में मुझे ऐसा लगा डिसरिस्पेक्ट या फिर अनप्रोफेशनल कुछ हद तक था। आप अगर कुछ बताना चाहोगे अबाउट दैट कमेंट? आई सी, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू इंटरव्यूड मी फॉर एनी ऑफ द मूवी प्रमोशंस दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ? आई गेस like, and how many actors have you interviewed during the movie promotions? Right. Have they not shared their own point of view? तो कई बार ऐसे हुआ है, I mean the fraternity that I come from, किसी ने कुछ बोला होगा मेरे लिए that they don't like a certain trait of mine. Right. I have never overreacted on that. Great, fine, ठीक है, वो एक part है मेरे nature का, वो आपको अच्छा नहीं लगा, no problem, that's fine. Because everybody is entitled to their own point of view. Yes. वो अभी आप पे depend करता है कि आपको react करना है या नहीं करना. Thankfully, I am from that fraternity where we respect each other's differences. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे आपके नेचर में से ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। आई हैव सेड इट आउट ब्लंटली दैट दिस इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट यू बिकॉज इट हैज़ हैपेंड इन द शो। यस, द डिसरिस्पेक्ट, द इनसेंसिबिलिटी दैट यू हैड टुवर्ड्स सम कंटेस्टेंट्स व्हाइल परफॉर्मिंग स्टंट्स वाज नॉट राइट एंड दैट इज़ अ फैक्ट। डन। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम 14 जन थे ना वहाँ पे, 14 में से जरूरी नहीं कि सबकी सोच मेरे सबकी से मैच सोच हो अलग होती या मेरी सोच सबसे मैच हो, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अगर मैंने आपके नेचर के ट्रेट के बारे में कुछ बोला, सो यू ऑल्सो नीड टू हैव अ रेलेवेंट रीजन टू कम बैक एंड फाइट अबाउट इट, नॉट टॉक थिंग्स विच आर वेरी रैंडम। यस, आई लाइक टू क्विक क्वेश्चन इन दैट, द फर्स्ट वन विल बी कि Have you tried contact her about this? Why you have did this? ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, whenever I'm pretty sure, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे उनके नेचर में से ये एक चीज नहीं अच्छी लगी, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मुझे डेजी की ये चीज नहीं अच्छी लगी या मुझे ये नहीं अच्छा लगा, मुझे वो नहीं अच्छा लगा। फेयर इनफ यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बरोबर है वो तो, बिकॉज दिस इज मी, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट इट बैक आउट इन द पब्लिक के हाउ डे यू नॉट लाइक मी, यू डोंट लाइक मी फॉर सर्टन थिंग्स, no problem, because this is me. You can't force me to like somebody and I can't force anybody to like me. Why is it so difficult to accept this fact? 140 करोड़ की आबादी में जरूरी नहीं है कि 140 करोड़ लोग आपको पसंद करें। आपका पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा। मैं एक और जो सेकंड क्वेश्चन मैं ऐड करने वाला था ये कि वंस यू विल मीट हर और इन द पब्लिक इवेंट और कोई अवार्ड फंक्शन में, will you go talk to her about this or it will be natural? I am pretty okay. जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैंने अगर किसी के बारे में कुछ बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि I'll be holding that against that person forever. If there is a certain trait of you that I don't like, I will state it out. Correct. I don't believe in talking behind your back. देखो, मैं ऐसी हूँ ना कि मैं सच बोलती भी हूँ और सच सुनना भी पसंद करती हूँ। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पसंद है, बोलो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सच बोलते हैं पर सच सुनना पसंद नहीं करते। अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट योर दैट पॉइंट। सो हाउ इज इट माय प्रॉब्लम यार? यस, रोहित सर से किस तरह का एक्सपीरियंस था और आपके टॉप थ्री कोई ऐसे खिलाड़ी जो आपको काफी अच्छा कॉम्पिटिशन लगा उस साउथ अफ्रीका टूर में? इनिशियली बहुत रैंडम था क्योंकि जिससे सोचा नहीं था बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो एवरीबडी हैड देयर ओन अप्स एंड डाउन्स, किसी ने कभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वही खिलाड़ी ने कभी बहुत ही गंदा परफॉर्म किया, सो इट वॉज वेरी रैंडम। बट आई थिंक देयर वर टू विच रियली स्टूड आउट एज कंटेस्टेंट्स फॉर मी वॉज लाइक अ सरप्राइज पैकेज, वॉज रश्मीत एंड डीनो। Dinu, Dinu to always there. Yeah.
पार्टनर्स टास्क होने वाला है ये हफ्ते, हाँ। हु इज योर पार्टनर, खाली हिंट दे दीजिए मुझे कौन है आपका पार्टनर इस हफ्ते। फिल्म अभी रिलीज हुई है। जान गया मैं, थैंक यू सो मच दिस, थैंक यू।